हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फूडिंग। तो गाइस आज मैं आपको टाइगर कंसेप्ट का फूड ऑर्डरिंग सिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, अभी अभी इंस्टा पर वायरल चल रहा है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही न्यू कंसेप्ट का फूड ऑर्डरिंग हर दिन लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड को डाउनलोड कर देना है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर शेयर कर देना है गैलरी से पी सेट के अंदर। जहाँ पी सेट के अंदर शेयर होने के बाद आपको यहाँ पर 8 फुट पर चले जाना है। तो हम 8 फुट पर चलते हैं। 8 फुट आने बाद आपको यहाँ पर आपकी आपके पीक को ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैं पीक को ऐड करता हूँ। ये पीक को पहले से ही मैं बैकग्राउंड इरेज करके रखा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होने के लिए। तो मैं क्रॉप कर देता हूँ। तो अगर आपको इरेज करना नहीं आता तो बैकग्राउंड मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना है आपको कैसे इरेज करते हैं बैकग्राउंड को। तो यहाँ पर मैं राइट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको ऊपर सीढ़ी को कम करके एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर सीढ़ी को कम करके यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर मेरी तरह आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं साइड में एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको इरेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हार्डनेस को जीरो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइज को थोड़ा बड़ा कर देना है, तो 26 रखूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जितने बचे कुछ पार्ट को इरेज कर देना है। तो यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हेयर को भी थोड़ा इरेज कर देना है आपको भी, यहाँ पर साइड में आपको इरेज करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से ठीक से एडजस्ट कर देना, तो यहाँ पर एडजस्ट कर देना। तो आपको इसी तरह आपको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मैं थोड़ा रह गया यहाँ पर हेयर के ऊपर बचे कुछ पार्ट को इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इरेज करके बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको इरेज कर देना जल्दी से। इरेज करने बाद वो राइट पर क्लिक करके बैक जाना है। बैक जाने बाद आपको 8 फोटो फिर से चले जाना है। यहाँ पर आपको हेड बैंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाकर डाउन कर देना। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपको मेरी तरह आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एडजस्ट करने बाद आपको इरेज करना है। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट करने बाद आपको यहाँ पर इरेज पर क्लिक करना है। इरेज पर क्लिक करने बाद आपको हार्डनेस को जीरो करना है। तो यहाँ पर हार्डनेस को जीरो कर देना है। जीरो करने बाद आपको यहाँ पर इरेज करना है। तो बचे कुछ पार्ट को यहाँ पर इरेज कर देता हूँ जल्दी से। इरेज करने बाद आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर आपको आई का एक PNG मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको डाउन करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। तो बाद में डाउन करें, पहले देख लो। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करके बैग चलते हैं। तो यहाँ पर बैग चलते बाद बैग जाने बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। तो मैं चलता हूँ बैग राइट पर क्लिक करके, यहाँ पर आपको इरेज करना है इसी तरह। इरेज करने बाद आपको राइट पर क्लिक करके बैग जाने, बैग जाने बाद बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर आपको 8 फोटो फिर से चले जाना है। 8 फोटो में चलते हैं। 8 फोटो जाने बाद आपको यहाँ पर आई का PNG मिल जाएगा एक। यहाँ पर ये आई का PNG मिल जाएगा, ये रेड आई का PNG मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, जाकर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर को ओपेसिटी को कम करके एडजस्ट करना है। तो बीच में एडजस्ट करना है आपको, मेरी तरह आपकी एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करना मतलब आपको इरेज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इरेज पर क्लिक करके बचे कुछ पार्ट को इरेज कर देते हैं। तो हमारे इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको हार्डनेस को यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देंगे। यहाँ पर आपको इरेज कर देना है। इरेज करना मतलब आपको इसी तरह आपको दूसरे आई को भी इसी तरह आपको ऐड कर देना। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर आप ओपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर ओपेसिटी को मैं 100 कर देता हूँ। 100 करने बाद आपको यहाँ पर बैग जाना है। बैग जाना राइट पर क्लिक करके बैग जाना है। तो हमारे राइट पर क्लिक करके बैग जाने, बैग जाने बाद 8 फुट फिर से चले जाने। तो वही आई को अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं आई को यहाँ पर ऐड कर देना हूँ। ऐड करने बाद आपको यहाँ पर फिर से इसी तरह ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देना हूँ जल्दी से। यहाँ पर आपको उसी तरह आपको आई को ऐड करना है। उसके बाद आपको इरेज कर देना है। तो वीडियो को लाइक करने लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इन कंसेप्ट का फोटो हर दिन लाता रहो। उसके बाद आपको इरेज कर देना है। यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करके बैग जाना है। बैग जाना आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद आठ फोटो नहीं, यहाँ पर आपको टूल्स पर चले जाना है। तो यहाँ पर टूल्स पर जाने के बाद आपको एडजस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको ब्राइटनेस को -100 कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इरेज पर क्लिक करके इन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं हार्डनेस को 0 कर देता हूँ। उसके बाद आपको साइज को 16 के आसपास रखेंगे। उसके बाद इन्वर्ट करके यहाँ पर आपको ब्रश पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको हैंड बैंड का साड़ो बनाना है। तो यहाँ पर आपको रियलिस्टिक दिखने के लिए यहाँ पर हैंडमेड का साड़ो बना देते हैं। यहाँ पर आपको साड़ो बनाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से टूच पर आना है। तो यहाँ पर आपको वो राइट पर क्लिक करके बैग जाना है। तो यहाँ पर मैं राइट पर क्लिक करके बैग डालते हैं। उसके बाद आपको टूच पर क्लिक करके फिर से एडजस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ब्राइटनेस को यहाँ पर आपको 30 के आसपास करना है। यहाँ पर 30 रखता हूँ। उसके बाद आपको इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डॉट स्टोन देना है। तो यहाँ पर इन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको ब्रश पर क्लिक करके हार्डनेस को यहाँ पर आपको 24 रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 25 रखता हूँ। ओपेसिटी को यहाँ पर आपको साइज को 40 रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेरे तरह आपको वो डॉट स्टोन देना है। जहाँ पर लाइटिंग ज़्यादा है वहाँ पर आपको डॉट स्टोन देना है। तो डॉट स्टोन और बॉन टोन के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाया था, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना है डॉज एंड बॉन टोन कैसे करते हैं। तो डॉज एंड बॉन टोन एडिटिंग के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है वीडियो कैसे डॉज एंड बॉन टोन करते हैं। यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करके बैग जाना, बैग जाने के बाद आपको यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चले जाना है। तो यहाँ पर ड्रॉ टूल पर आने के बाद आपको यहाँ पर 3 लेयर पर क्लिक करके एक एमपी लेयर बनाना है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ओपेसिटी को आपको यहाँ पर 100 करना है। ओपेसिटी 100 करना है और हार्डनेस को 0 करना है। यहाँ पर हार्डनेस को 0 करना है। उसके बाद आपको साइज को 100 करके यहाँ पर आपको ड्रॉ हल्का सा ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आपको 3 लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके ट्रांसफर कर देना है।
इसी तरह आपको यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर आपको नीचे की तरफ साइड बनाना है। यहाँ पर मैं जिस तरह करता हूँ उसी तरह आपको भी करना है। तो यहाँ पर साइड बनाना आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करके यहाँ पर ओपेसिटी को कम कर देना है। तो यहाँ पर मैं 60 के आसपास रखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। अब लाइट पर ओपन करेंगे, कलर स्कैन कर दिए। तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव करने आपको यहाँ पर लाइट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको लाइट पर सर कर देना है गैलरी से। यहाँ पर लाइट पर सर करने आपको ऊपर की तरह स्वाइप करके यहाँ पर लाइट पर चले जाना है। तो यहाँ पर लाइट पर चलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या करें। तो यहाँ पर ऑल फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फोटो को सिलेक्ट कर देना है। तो फोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ। फोटो ओपन होने के बाद पहले ब्राइटनेस सर्च करना है। तो यहाँ पर फोटो ओपन कर देते हैं। फोटो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर पहले ब्राइटनेस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ब्राइटनेस को यहाँ पर 21 रखना है। यहाँ पर सॉरी कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर 21 रखना है। उसके बाद आपको हाईलाइट्स को थोड़ा प्लस करना है। यहाँ पर आपको 30 के आसपास रखेंगे, सॉरी 18 के आसपास। उसके बाद आपको शैडो को प्लस करना है 18 के आसपास। उसके बाद आपको मिक्स पर चले जाना है और सैचुरेशन को माइनस कर देना है पहले कलर की, रेड कलर की। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड कलर की यहाँ पर आपको लुमिनस को प्लस करना है ताकि फेस ज़्यादा गोरा हो सके और सैचुरेशन को कम करना है। उसके बाद आपको ब्लू कलर पर चले जाएँ। यहाँ पर आपको ब्लू कलर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको हुई को बढ़ा देना है और सैचुरेशन को बढ़ा देना है और लुमिनस को कम कर देना है ताकि हमारा जो हेड के ऊपर जो बैंड है उसका कलर चेंज हो सके। उसके बाद आपको टेम्परेचर को बैक करके टेम्परेचर को 4 कर देना है, +4। उसके बाद आपको यहाँ पर 10 को +8 कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे चला जाना है, क्लैरिटी दे देना है इमेज के ऊपर। यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करके क्लैरिटी 40 के आसपास रखेंगे और बिगिनर को थोड़ा माइनस कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे चला जाना है, शार्पनेस देना है इमेज के ऊपर। तो शार्पनेस थोड़ा दे देते हैं, यहाँ पर आपको 48 रखता हूँ। उसके बाद आपको बिफोर एंड आफ्टर बहुत बड़ी एडिटिंग हो चुकी है, देख सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट का फोटो एडिटिंग हर दिन लाता रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। और चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।